अस्सलाम वालेकुम, आप सबका खैर मकदम है। मेरे आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा आलू। हमारे पास क्या क्या है हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए। हमारे पास ये हाफ के जी मटन कीमा, 3 से 4 टमाटर जिसे हमने रफली चॉप कर लिया, 3 प्याज है हमारे पास जिसे हमने स्लाइस कर लिया, 3 आलू हैं जिन्हें हमने क्यूब्स में काट लिया है। हमारे पास 1 टी स्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये हमारे पास 4 से 5 हरी मिर्च थी जिसे हमने काट लिया है, और ये हमारे पास 1/2 कप ऑयल है, और इसमें हमें कौन कौन से खड़े मसाले चाहिए देख लेते हैं। हमारे पास 2 तेज़पात के पत्ते हैं, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 ही लौंग है, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 ही सिया मिर्च, काली मिर्च जिसे बोलते हैं, ये हमारे पास ज़ीरा है 1/2 चम्मच, ये अभी नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, ये हमारे पास 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच हमारे पास धनिया पाउडर, और ये 1/2 चम्मच हमारे पास गरम मसाला पाउडर। ये अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुकर में गोश्त ले लिया है, इसमें हम अब डालते हैं ये प्याज, इसमें हम डालेंगे अब टमाटर, ये लहसुन अदरक का पेस्ट, आइए अब हम इसमें मसाले डाल लेते हैं क्या क्या चाहिए हमें। ये हम डाल लेते हैं इसमें लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ये नमक, हम डाल देते हैं ये सारे खड़े मसाले, तेजपात के पत्ते, जीरा, ये सिया मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी सब डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये ऑयल, और इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी पानी, क्योंकि इसमें टमाटर भी है और प्याज भी है, ये भी अपना अपना पानी छोड़ेंगे। इसे चला देंगे, इसमें पानी इस मारे कम डाला है क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ेगा और टमाटर भी पानी छोड़ेगा अपना अपना, जिससे कि मटन गल जाएगा इसमें। अब हम इसमें 2 से 3 सीटी लगा देंगे इसे बंद करके। इतने इसमें सीटी आती हैं, इतने फिर देखते हैं। इसमें 3 से 4 सीटी आ चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा सा प्रेशर बाकी है, अब जब इसका प्रेशर निकल जाएगा फिर मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ। देखते हैं अब इसका प्रेशर निकल चुका है बिल्कुल, अब इसे हम खोलते हैं। अंदर हम आग लाते हैं, बार धीमी से चलाएंगे। अब जो हमारे पास हरी मिर्चें कटी हुई थी अब हम उसे डाल देंगे। इसे लो से मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। फिर इसमें हम आलू डाल के फिर उसे पकाएंगे आलू के साथ खोल। अब जब मैं इसमें आलू डालूँगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा। जब थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट होने लगेगा जब हम इसमें आलू डालेंगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइम पर हमें आलू डालूँ। अभी हम इसमें आलू नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा ऑयल अभी सेपरेट नहीं हुआ है। अभी हम इसे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे जब तक ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक हमें इसे पकाते ही रहना है। ये अच्छे से भुन जाएगा, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है जब बन जाएगा। इसे हमें बीच बीच में से चलाते रहना है, हम बीच बीच में से चलाते रहेंगे। इसके
इसमें अभी पानी पानी भी खोशक होएगा इसका। अब हम इसका इसमें चिकनाई आने लगी है, इसका हल्का सा पानी खुशक भी हो गया। अब हम इसमें डालेंगे आलू, इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक ये आलू पक नहीं जाते और थोड़ा पानी खुशक नहीं हो जाता। और हम इसके साथ साथ यहाँ अब गरम मसाला भी ऐड कर देंगे जो हमारे पास पिसा हुआ गरम मसाला था। इसे अच्छे से हम चला देंगे। अब हम इसे पकने देंगे, इतने ही आलू भी गल जाएंगे और पानी भी खुशक हो जाएगा। इसे हम हाई फ्लेम पे कर देंगे यहाँ पर। इसे अब हम हल्की इसकी आंच हल्की कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे कर देंगे। इसे पकने देंगे अच्छे से जिससे ये लगे नहीं है। अभी हमें इसे कम से कम 10 मिनट तक पकाना है जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते। ये हमारे आलू गल जाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर। इसे बीच बीच में चलाते रहना ताकि ये नीचे लगे नहीं। हल्का हल्का पानी खुशक हो गया है, देख ये देख रहा हूँ पानी हल्का हल्का खुशक हो गया है। अब इसका आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट होने लगा है, लेकिन ये और अभी अच्छे से भुनेगा। ये आलू बिल्कुल गल जाएंगे। इसे मैंने बीच बीच में से चलाते रहना। अभी हमारे इसमें आलू नहीं गले, ये हमारा जो है कीमा भुन चुका है, तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें आधा ग्लास के आसपास पानी डालेंगे, इसे हम फिर चला देंगे। एक और अब हम इसको एक सीटी आने तक, एक सीटी आने देंगे हम। एक सीटी आने के बाद हम इसका प्रेशर निकाल देंगे। इसमें अब एक सीटी आ रही है। अब जब इस सीटी आ जाएगी उसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब इसका प्रेशर निकल जाएगा फिर हम खोल के थोड़ी देर पकाएंगे। अब इसमें एक सीटी आ गई, हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। इसका प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसे खोल के देखते हैं। अब हम इसे चलाएंगे, इसे एक दो मिनट पकाने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब ये अच्छे से पक चुका है, आलू भी हमारे गल चुके हैं। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और ये हमारा कीमा तैयार है। अब हम इसे आपको एक डोंगे में उतार के दिखाते हैं। सो गाइस, ये हमारा रेडी है कीमा। अब हम इसे जो है डोंगे में उतारेंगे और इसे गार्निश करेंगे धनिया के साथ। अब हम इसे गार्निश करेंगे धनिया के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई डिश के साथ।